हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल आरबी ऑटो मोबाइल पर। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को टीवीएस कंपनी की टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का जो सबसे लेटेस्ट BS6 फेज 2 मॉडल है, यानी कि दोस्तों जो E20 वाला मॉडल है, उसी मॉडल का दोस्तों मैं आप लोग को EMI के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इस अपाची 160 को 2023 में फाइनेंस करवा के EMI पे लेते हैं तो आप लोग को मंथली में कितना EMI भरना पड़ेगा, साथ ही साथ इस गाड़ी को जो है EMI पे लेने के लिए मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा इस गाड़ी को EMI पे लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होंगे, उसी के बारे में आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को इस अपाची 160 का ऑन रोड प्राइसिंग बताता हूं। तो इसका जो BS6 फेज 2 मॉडल है, उसका आप लोग को जो टॉप मॉडल का प्राइस है वो लगभग दोस्तों आप लोग को 1,52,000 रुपए के अराउंड में देखने को मिलने वाला है 2023 में। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को डाउन पेमेंट के बारे में भी बताता हूँ। तो इस बाइक को EMI पे लेने के लिए दोस्तों मिनिमम आप लोग को इस बाइक का जो 30% है उतना आप लोग को डाउन पेमेंट करना होगा, यानी कि इस बाइक का अगर ऑन रोड प्राइस देखें तो लगभग दोस्तों 1,52,000 रुपये होता है, और 1,52,000 का अगर हम लोग 30% निकाले तो लगभग दोस्तों 45,600 रुपये होता है। तो इस गाड़ी को EMI पे लेने के लिए दोस्तों आप लोग को कम से कम जो है 45,600 रुपये डाउन पेमेंट करना होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को मंथली EMI के बारे में भी बताता हूँ। सो अगर आप लोग एक साल के लिए लेते हैं इस गाड़ी को लोन पे तो लगभग मंथली में आप लोग को 9,930 रुपये पे करना होगा। डेढ़ साल के लिए अगर लेते हैं तो मंथली में दोस्तों आप लोग को 6,975 रुपये पे करना होगा। अगर दोस्तों आप लोग दो साल के लिए लेते हैं तो मंथली में आप लोग को 5,497 रुपये पे करना होगा। बात करी जाए यहाँ पर ढाई साल के बारे में तो मंथली में दोस्तों आप लोग को 4,610 रुपये पे करना होगा, और तीन साल के बारे में बताऊँ तो मंथली में दोस्तों आप लोग को लगभग जो है 4,019 रुपये पे करना होगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोग को एक साल से लेकर तीन साल तक के मंथली EMI के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग जो है ज़्यादा भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है 50,000 रुपये भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, 60,000 भी करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग जो है 70,000 रुपये भी डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। तो अब मैं आप लोग को उनके लिए बताता हूँ कि कितना मंथली में EMI भरना पड़ेगा। सो अगर आप लोग 50,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो मंथली में दोस्तों आप लोग को लगभग जो है 5,270 रुपये पे करना होगा। अगर आप लोग 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो मंथली में दोस्तों आप लोग को 4,753 रुपये पे करना होगा। एंड अगर आप लोग 70,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो मंथली में दोस्तों आप लोग को लगभग जो है 4,236 रुपये पे करना होगा। और दोस्तों मैंने जो आप लोग को डाउन पेमेंट के बारे में बताया है, ये दोस्तों मैंने आप लोग को मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में बताया है, यानी कि कम से कम आप लोग को 45,600 रुपये डाउन पेमेंट करना ही होगा। आप चाहें तो दोस्तों आप ज़्यादा भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों यहीं पे मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करिएगा उतना आप लोग को कम इंटरेस्ट लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोग को इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बताता हूँ, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी आपकी बाइक को फाइनेंस करती है वो कितना कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों वो लगभग जो है 10-12% का होता है। तो मैंने जो है दोस्तों यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट लेके चला हुआ है, जो कि दोस्तों 12% का जो इंटरेस्ट होता है ये पूरे साल भर का 12% इंटरेस्ट होता है। बाकी दोस्तों अब मैं आप लोग को यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता देता हूँ कि इस बाइक को जो है EMI पे लेने के लिए आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आप लोग को दो ID प्रूफ लगने वाला है, जिसपे दोस्तों आप लोग अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं। सेकंड दोस्तों आप लोग अपना वोटर आई डी कार्ड दे सकते हैं, एंड अगर आपके पास वोटर आई डी कार्ड नहीं है तो फिर दोस्तों आप लोग अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को जो है अकाउंट भी लगेगा, साथ ही साथ में आप लोग को दो चेक भी लगने वाला है, एंड इसके अलावा दोस्तों आप लोग को दो पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगेगा। तो आप लोग को कुल ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 को जो है EMI पे लेने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो अपाची 160 है इससे रिलेटेड जो भी फाइनेंस से जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोग को सभी जानकारी दे दी है। आई होप मैंने आप लोगों की सारी डाउट्स वगैरह क्लियर कर दिए हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स रह गई हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑल्सो राइड सेफ।